हाय गाइस, तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट दे रखी है तो हम उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं एक प्रोवाइडेड रेंज के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास लिंक लिस्ट है, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमको रेंज दे रखी है 2 to 4। ओके, आप एक चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6, ये इंडेक्सिंग है। ठीक है, इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और हमको 2 से लेकर 4 तक जितने भी नोड्स हैं उनको रिवर्स करना है, तो 2 इंडेक्स से 4 तक। तो बेसिकली ये हमारी रेंज है, इसके बीच में जितने भी नोड्स आएंगे उनको हमको रिवर्स करना है। तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 1, 4, 3, 2 एंड देन सिंपली 5 एंड 6। ओके, तो हमारा आउटपुट ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लेंगे, हमको ये पता है कि हमको करना क्या है, अब कैसे करना है इसके ऊपर सोचना है हमको। ठीक है, तो हमारा एक टास्क तो हो गया कि हमको क्या करना है वो हमको पता है। ठीक है, चलो तो इसको समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पिछला वाला जो वीडियो था जिसके अंदर हमने के ग्रुप्स के अंदर लिंक लिस्ट को रिवर्स करा था, के ग्रुप्स के अंदर बोले तो अगर मैंने K3 है, K3 है तो मैं 3 3 के ग्रुप्स के अंदर 3 3 इसको रिवर्स करूंगा, उसके बाद में इसको जोड़ दूंगा इसको रिवर्स करके। ठीक है, तो के ग्रुप्स के अंदर मैं रिवर्स कर रहा था। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख के आना क्योंकि ये वीडियो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, मैंने उसके ना फंक्शन भी एक्सप्लेन कर रखे हैं और एक्सप्लेनेशन उसके अंदर अच्छा है, वहां से हम फंक्शन पिक करेंगे, उसका जो जो भी क्राइटेरिया था वो हम डायरेक्टली पिक कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है वो। ठीक है, तो अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको, ये हम कैसे करेंगे। बेसिकली बहुत ईजी सा है, अगर आप भी इसको देखो तो आप भी इसको समझ जाओगे। जैसे हमारे पास मान लो हमको 2 to 4 की रेंज के बीच के अंदर रिवर्स करना है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ हम मान के चल रहे कि हमारा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया तो हमारे पास में आ गई 4 3 और 2, ये रिवर्स होके आ गया, कैसा आया हमको नहीं पता पर ये रिवर्स होके आ गया। अब उसके बाद में हमारा क्या टास्क होगा कि 1 को तो हम 4 से जोड़ देंगे और 2 को हम 5 से जोड़ देंगे, सिंपल है ना। इसको रिवर्स कर दिया, ये आ गया, इसके बाद में 1 को 4 से जोड़ दिया, 2 को 5 से जोड़ दिया, सिंपल। तो यही करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज करनी है हमको। हमको पहले उसको रिवर्स करना है, उस रेंज वाले को रिवर्स करना है और उससे जस्ट प्रीवियस वाला जो था उससे हमको वो जो नई लिंक लिस्ट बन के आ रही है उसके सबसे पहले नोड को जोड़ देना है और उस नई लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को हमको रेंज के जस्ट बाद वाले नोड से जोड़ देना है। ठीक है, तो चलो मैं इसके अंदर एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, 10, 20, 15, 25, 2, 0 एंड 5। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास में एक लिंक लिस्ट है, हमको रेंज दे रखी है, हमको रेंज दे रखी है के इक्वल्स टू 2 से लेकर 5 तक, के इक्वल्स टू 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, ये हमारी रेंज है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार, इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमारी इंडेक्सिंग है। हमको पता है 20 से लेकर 2 तक रिवर्स करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे करना है हमको। तो बेसिकली हमारी पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो हमको जस्ट प्रीवियस वाला पॉइंटर चाहिए, एक तो जस्ट प्रीवियस ये एक पॉइंटर चाहिए जिसके बाद में हम उस लिंक लिस्ट के हेड को जोड़ सकें। ठीक है, तो इसी से हमको एक चीज मिली कि हमको नई जो लिंक लिस्ट बनेगी, जैसे न्यू LL का हेड चाहिए, हमको न्यू लिंक लिस्ट का हेड चाहिए और वही न्यू लिंक लिस्ट का टेल चाहिए। टेल क्यों चाहिए भाई, टेल इसलिए चाहिए क्योंकि टेल के बाद में हम उसके जो ये जो रेंज के बाद वाला नोड है उसको जोड़ना है हमको। ठीक है, तो हम बाद वाला नोड तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ 15 पे हो आप, आपको 25 एक्सेस करना है तो 15 का नेक्स्ट कर दोगे तो 25 मिल जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो तो हम एक्सेस कर लेंगे। तो ये हमारी बेसिकली मेन रिक्वायरमेंट्स है। और एक और रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, एड फर्स्ट नोड फंक्शन, एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, एड फर्स्ट नोड। बेसिकली जैसे मान लो मैं रिवर्स किस किस तरीके से रिवर्स करने वाला हूँ वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है 5, 6, 7 और 8। ठीक है, मैं आपको रिवर्स करना सिखा रहा हूँ, हम रिवर्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो
जैसे मैंने फाइव को उठाया, फाइव को उठाया, मेरे पास फाइव है, फाइव है मेरे पास, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं करंट एक है, करंट पॉइंटर मान लो जो शुरुआत में इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, करंट पूरी की पूरी इस लिंक लिस्ट पर ट्रेवर्स करेगा, करंट पूरी इस लिंक लिस्ट पर ट्रेवर्स करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को मैंने फाइव पे पॉइंट करा रखा था पहले, फाइव को मैंने पिक कर लिया, इसके बाद वाले को सेव कर लिया, फाइव के बाद वाले को सेव कर लिया मैंने, क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया, मतलब मेरा सेव यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, सेव यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, फाइव के नेक्स्ट का पॉइंटर जो था उसको तोड़ दिया, तोड़ दिया मतलब नल रख दिया, तो फाइव का नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, तो फाइव अब अकेला रह गया, ये हट गया, ये यहाँ से हट गया, ठीक है, ये हट गया, और जो करंट है इसको पॉइंट कर रहा है, अभी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फाइव मेरे को अकेला मिल गया। अब मैंने क्या करा, फाइव को, फाइव को बोला तू रुक, तो ऐसे कैसे रहे, अब बाकी जितने भी नोड्स आएंगे वो उससे पहले जुड़ते जाएंगे, जैसे अब सिक्स आया, ठीक है, अभी मेरे पास फाइव था, ठीक है, तो फाइव को मैंने रखा, ठीक है, और मैंने जैसे ही बताया आपको कि ये न्यू लिंक लिस्ट का हेड चाहिए, न्यू लिंक लिस्ट का टेल चाहिए, तो हेड और टेल मेंटेन करने के लिए मैंने टेम्प्ररी हेड, टेम्प्ररी टेल, ये दो पॉइंटर्स बना लिए, ये बना रखे मैंने, ठीक है ना, तो ये अभी शुरुआत में नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इनके पास कोई नोड ही नहीं है। जैसे फाइव आया, फाइव मिला इनको, तो इन्होंने क्या करा, फटाफट से इसके ऊपर चले गए, टेम्प्ररी हेड भी इधर आ गया, टेम्प्ररी टेल भी इधर आ गया, ठीक है ना, एक नोड है तो उसका हेड भी वही है, टेल भी वही है, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, ठीक है, सब कुछ वही बात है, ठीक है, तो इसके बाद में सेव आ गया, ठीक है, अब हमारा ये लिंक टूट चुका है, हमको ट्रेवर्स तो करना है करंट से, ट्रेवर्स तो हम करंट से करेंगे, तो अब लिंक तो टूट गया, करंट तो नल पे है, तो हम क्या करेंगे, अब जो करंट की वैल्यू है उसमें सेव को डाल देंगे, समझ गए, तो अब क्या होगा, अब होगा क्या, करंट यहाँ से हटा, ये हट गया यहाँ से, ठीक है, और करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। सिक्स पे आए, ठीक है, सिक्स पे आ गया, अब करंट सिक्स पे है, ठीक है, तो पहले इसका नेक्स्ट वाला सेव कर लिया हमने, नेक्स्ट वाला सेव हमको बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हमने इसको उठाया, तो उठा के इधर रख दिया, ठीक है, तो सेव आ गया हमारा, उसके नेक्स्ट पे सिक्स को उठा लिया हमने, सिक्स को उठा लिया, अब बोला कि सिक्स के नेक्स्ट का जो भी है उसको तोड़ दो, उसका लिंक तोड़ दो, तो अब क्या हो गया, ये हो क्या गया, यहाँ पे ये हो गया, देखो करंट अब आ गया नल पे, वापस से करंट नल पे आ गया, ठीक है, और सिक्स हमको मिल गया, सिक्स को हमने पास कर दिया एड फर्स्ट नोड फंक्शन में, जैसे यहाँ पे कर रहा था ना फाइव को, वैसे सिक्स को पास कर दिया, तो अब क्या मिला हमको, एड फर्स्ट मतलब सिक्स पहले आ गया, फाइव बाद में आ गया, और इसका टेल तो यही है, टेम्प्ररी टेल तो यही है, टेम्प्ररी हेड यहाँ पे आ गया, समझ गए, ये हमारी लिंक लिस्ट तैयार हो रही है धीरे धीरे, ये हमारी लिंक लिस्ट तैयार हो रही है, समझ रहे हो, तो ये क्या करा मैंने, सिक्स को मैंने उस फंक्शन में भेजा, उस फंक्शन के अंदर टेम्प्ररी हेड पहले पांच पे था, हेड तो फर्स्ट नोड, फर्स्ट वाला जो नोड होगा उसी को रिप्रेजेंट करता है, तो सिक्स को जैसे ही भेजा, सिक्स गया, सिक्स के बाद में पांच जुड़ गया, और टेम्प्ररी हेड सिक्स पे आ गया, टेल तो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, अब वही चीज हो गई, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये करंट तो नल को पॉइंट कर रहा है, तो करंट को हमने सेव की जगह पे रख दिया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब सेवन की बारी, सेवन की बारी जैसे ही आई, तो हमने पहले बोला कि भाई सेव तू आगे खिसक जा और एट को बचा ले, तो उसने एट को बचा लिया, अब सेवन आए, सेवन का लिंक तोड़ा, सेवन मिल गया, सेवन को इस फंक्शन में पास करा, सेवन को जैसे ही पास करा तो बन गया सेवन सिक्स फाइव, ये हो गया टेम्प्ररी टेल, ये हो गया टेम्प्ररी हेड, ईजी, और ये भाई साहब हट गए यहाँ से, ये भाई साहब हट गए यहाँ से, अब करंट फिर से नल हो गया, करंट फिर नल हो गया, तो करंट बोला मैं सेव पे चला जाता हूँ, सेव हो गया हमारा, नल पे चला गया सेव, और एट जैसे ही मिला, एट को हमने उठा लिया, एट का लिंक तोड़ दिया, एट को पास करा, तो एट यहाँ पे आ गया, और ये टेम्प्ररी हेड यहाँ से शिफ्ट होके किधर आ गया, ये टेम्प्ररी हेड किधर आ गया, एट पे आ गया, ठीक है, उसके बाद में वापिस से करंट खिसका, करंट खिसका, पहले तो ये हटेगा भाई साहब, ये भाई साहब हटे, करंट हमारा नल हो गया, करंट बोला मैं सेव पे चलता हूँ, करंट ने बोला मैं सेव पे चलता हूँ, ठीक है, तो करंट हटा और सेव पे चला गया, सेव तो पहले ही नल था, करंट भी नल हो गया, तो हमारा ये हो गई लिंक लिस्ट रिवर्स, आप देख सकते हो पहले थी पाँच छः सात आठ, अब आ गई आठ सात छः पाँच, ये टेम्प्ररी टेल, ये टेम्प्ररी हेड, आ गया समझ में, ये मैंने आपको समझा दिया रिवर्स, ठीक है, अब इसके बाद में तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसके बाद में तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर मान लो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता, मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता एक एक नहीं तीन चार पाँच छ
आठ, नौ और ये 10, ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया और मैंने आपको बोल दिया तीन से लेकर चार पाँच छः तक, तीन से लेकर छः तक रिवर्स कर दो, तीन से लेकर छः तक रिवर्स कर दो। तो आपने बोला ठीक है तीन ये है, छः यहाँ तक जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो मतलब पाँच से लेकर आठ तक रिवर्स करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको रिवर्स करते तो ये रिवर्स होके आ जाएगा, आठ सात छः और पाँच, ये रिवर्स होके आ गया मेरे पास में, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेम्पररी हेड रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है टेम्पररी टेल। तो बस आपको चाहिए क्या, चाहिए क्या आपको, एक तो इस नोड का एक्सेस चाहिए, और इस नोड का एक्सेस आपको पता है कैसे पता है, कि ये नोड तो हमेशा करंट का प्रीवियस जो होगा वही होगा। इस नोड को तो हम ले सकते हैं ना, जैसे शुरुआत में करंट यहाँ पे था, शुरुआत में करंट यहाँ पे था और जस्ट प्रीवियस नल था, जस्ट प्रीवियस एक नोड बनाया मैंने वो नल था, ठीक है। करंट तब आगे किसका, ये भाई साहब आगे किसके, ठीक है, ये आगे किसका, तो ये भी खिसक गया आगे और इसने बोला ठीक है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जस्ट प्रीवियस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब करंट, करंट जैसे आगे और किसका, करंट और आगे किसका, यहाँ पे करंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। करंट यहाँ पे आया तो इसने बोला ठीक है मैं भी आके खिसकूंगा, तो जस्ट प्रीवियस यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये भाई साहब रिवर्स होने के लिए चले गए थे, ये रिवर्स होके आए, चलो मेरे पास ये आया रिवर्स होके, और फिर जैसे ही मैं बता देता हूँ आगे क्या हुआ इस कहानी के अंदर, आगे हुआ कि हमारा करंट यहाँ से उड़ के इधर गया, क्योंकि ये सारा काम तो हो गया था, ये सारा काम हो गया था, हमने देख लिया करंट, जैसे इस वाले केस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ, करंट नल पे चला गया था ना, इस पे नल पे नहीं गया, नाइन पे चला गया, आगे कुछ था नहीं, नाइन को हमने कैसे डिटेक्ट करा, रेंज से बाहर चला गया, तो करंट इधर आ गया। अब ये चीज़ कंडीशन देखो, यहाँ पे रुक जाओ, ये कंडीशन देखो कितनी अच्छी कंडीशन है, हमारे पास रिवर्स लिंक लिस्ट है, हमारे पास में प्रीवियस पॉइंटर पड़ा है, हमारे पास में बाद वाला पॉइंटर पड़ा है, सब कुछ तो है, जस्ट प्रीवियस के बाद में इसको जोड़ दो, इसके बाद में इसको जोड़ दो, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बस यही करना है, यही करूँगा मैं बिल्कुल एग्जैक्टली, यही का ये लिखूँगा, ठीक है, चलो मजा आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल यही करेंगे। एक नोड बना लेते हैं, क्या टेम्प्ररी हेड, ठीक है, ऐसा ही एक और नोड बना लेते हैं, वो क्या होगा टेम्प्ररी टेल। एक फंक्शन बना लेते हैं, क्या एड फर्स्ट नोड, ये एक फंक्शन बना लिया, इसको एक लिस्ट नोड प्रोवाइड करा देते हैं, हाँ भाई ये तो सारा काम करके दे रहा है हमको, एक पास करा दिया। शुरुआत के अंदर जब टेम्प्ररी हेड और टेम्प्ररी टेल नल थे तो हमने क्या कर रहे थे, दोनों को एक ही नोड पे लगा रहे थे, तो अगर टेम्प्ररी हेड नल है तो क्या करना है, टेम्प्ररी हेड को भी नोड पे लगा दो, टेम्प्ररी टेल को भी नोड पे लगा दो। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं तो नोड के बाद में टेम्प्ररी हेड को लगा दो और बस टेम्प्ररी हेड की पोजिशन को सेट कर दो, उसको नोड पर लिया, ठीक है, ये ईजी है, बिल्कुल ईजी सा फंक्शन था, प्यारा सा, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमको तो भाई पहले तो एक करंट चाहिए जो मेन हमारा सारा काम करेगा, करंट तो चाहिए हमको, ठीक है, उसकी वैल्यू शुरुआत में हेड पे रख देते हैं। एक इंडेक्स की वैल्यू चाहिए जो इंडेक्स चेक करेगा कौन से इंडेक्स पे हैं हम, और एक और नोड चाहिए, ये क्या है, जस्ट प्रीवियस नोड, इसको भी नल कर दिया भाई, शुरुआत में नल पे ही, ठीक है। अब हमने लूप चलाया, जब तक करंट हमारा नल नहीं हो जाता हम लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप के अंदर क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं क्या वो रेंज के बीच में है, अगर रेंज के बीच में हुआ तो इंडेक्स की वैल्यू n या उससे बराबर होगी, n से बड़ी या उसके बराबर, m से छोटी, अच्छा इसके अंदर m और n उल्टे रखें, कोई बात नहीं, n इधर रख लेते हैं, m इधर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, n से बड़ी या उससे बराबर, m से छोटी या उसके बराबर, तो हम चेक कर लेंगे। चेक कैसे करना है, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इफ कंडीशन लगा लो या वाइल कंडीशन लगा लो, वाइल से भी चेक हो ही जाएगा ना, पर हमको, चलो छोड़ो यार, छोड़ो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n एंड इंडेक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू n, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम वाइल लूप चलाएंगे उस रेंज के अंदर ट्रैवर्स करने के लिए, तो वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n एंड इंडेक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू n, तो बेसिकली मैं यही बोल रहा था, डायरेक्टली इसी को बाहर लिख लेते हम तो उससे भी हो जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये इस रेंज के बीच में है, इस रेंज के बीच में, तो हम क्या कर रहे थे, आगे वाले को सेव कर लो, खुद के नेक्स्ट को नल कर दो, फंक्शन में पास कर दो और खुद आगे बढ़ जाओ, चार स्टेप्स हैं, आगे वाले को सेव कर लो, तो भाई आगे वाले को सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, करंट के नेक्स्ट को सेव कर लिया, ठीक है भाई, आती है बात समझ में आती है, यहाँ पे भी हमारा
एरो फंक्शन आएगा, और कहीं पे डॉट तो नहीं लगा दिया हमने, ठीक है। चलो आगे वाले को सेव कर लिया, खुद के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल डाल दो, खुद के नेक्स्ट में नल डाल दो, खुद के नेक्स्ट में नल डाल दिया। इसको पास कर दिया मैंने फंक्शन के अंदर, करंट को पास कर दिया, पास करने के बाद में खुद आगे बढ़ जाओ। तो सेव, आगे चारों स्टेप समझ में आ गए, इंडेक्स वैल्यू तो बढ़ानी है, इंडेक्स वैल्यू तो बढ़ानी है, ठीक है। ये सारा काम क्या हो गया, ये काम हो गया जब तक हम उस रेंज के बीच में हैं। अब मान लो रेंज से बाहर आ गए, मान लो अगर जो इंडेक्स की वैल्यू है वो बड़ी हो गई एम से, इंडेक्स की वैल्यू बड़ी हो गई एम से, मतलब रेंज से बाहर आ गए। रेंज से बाहर आने के बाद में क्या था, क्या हो क्या रहा था, बेसिकली रेंज से अगर आप बाहर आ गए तो वही तो अच्छी अच्छी कंडीशन है। रेंज से बाहर जैसे ही आए, जस्ट प्रीवियस के बाद में टेम्पररी हेड को लगाना है, बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ वही कर देता हूँ। क्या करना है, जस्ट प्रीवियस, जस्ट प्रीवियस के बाद में, जस्ट प्रीवियस के बाद में टेम्पररी हेड लगाना है। और क्या कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, टेम्पररी बेसिकली, और क्या कर रहे थे, टेम्पररी टेल के बाद में करंट को लगा देना है, ठीक है। तो वही चीज लगा देते हैं, टेम्पररी टेल के बाद में करंट को लगा दिया, ठीक है, और सिंपली रिटर्न कर जाते हैं। बस हमारा काम हो चुका है, हमारा काम हो गया, हमने रिटर्न कर दिया हेड, ठीक है। अब एक कंडीशन और आएगी, इसके अंदर भी एक कंडीशन आएगी, यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे कब आएगी वो कंडीशन। और अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब हम स्टार्टिंग फेज के अंदर है, तो स्टार्टिंग फेज में तो क्या हुआ, इंडेक्स बढ़ा दिया एक से, इंडेक्स एक से बढ़ा दिया, और जो प्रीवियस पॉइंटर है वो करंट से पहले वाला पॉइंट करेगा, तो करंट को तो हमको नेक्स्ट पे बढ़ाना है, करंट को नेक्स्ट पे बढ़ाना है, तो हमने क्या करा, जस्ट प्रीवियस को करंट पर डाल दिया। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, करंट जब आगे जा रहा था तो करंट ने बोला ठीक है भाई अब तू मेरी जगह बैठ जा, तो जस्ट प्रीवियस करंट की जगह बैठ गया और करंट भैया आगे चले गए, ठीक है। चलो और इसके बाद में सबसे आखिरी के अंदर सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, हेड, ठीक है। अब इधर एक दिक्कत है, इधर एक दिक्कत है, मान लो, मान लो जो हमारी लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट मान लो एक दो तीन चार, ये हमारी लिंक लिस्ट है, रेंज है 1 to 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इस केस के अंदर जस्ट प्रीवियस तो नल था, है जस्ट प्रीवियस नल था, और अपन क्या लिख रहे हैं, अपन लिख कर रहे हैं नल, नल डॉट नेक्स्ट, नल के बाद में टेम्पररी हेड लगा दो, तो ये क्या बात हुई, तो ये तो एक्सेप्शन आ गया। अब इससे बचने के लिए क्या करा हमने, इफ इफ जस्ट प्रीवियस, अगर जस्ट प्रीवियस की वैल्यू, जस्ट प्रीवियस की वैल्यू या जस्ट प्रीवियस नल नहीं, अगर ये नल नहीं है तो ये काम करेंगे, और अगर नल आ गया तो, नल आ गया तो क्या होगा, सोचो नल आया तो क्या होगा, सोचो ये चीज़ अच्छी है, नल आया तो क्या करना है हमको, ठीक है, दो मिनट रुको और सोचो फटाफट से, सोचो क्या करना है, सोच लिया। अगर नल आया, नल आया तो हमको करना क्या है, बेसिकली ये चीज़, ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा 2 और 1, इसने हमको दिया 2 1, यहाँ पर टेम्प्रेरी हेड रखा हुआ है, यहाँ पर टेम्प्रेरी टेल रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, करंट, ठीक है। टेम्प्रेरी टेल ने खुद को तो जोड़ लिया, खुद को तो जोड़ लिया। अब यहाँ पे हम एल्स कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर हम एल्स कंडीशन नहीं लगाएंगे ना तो वो हेड रिटर्न कर देगा, एल्स कंडीशन नहीं लगाई तो हेड रिटर्न हो जाएगा, सिंपली हेड रिटर्न हुआ तो क्या रिटर्न होगा, 1 1, हेड तो 1 पे है, ये रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न हो गया, ये क्या बात हुई, हमको तो ये चाहिए था, और यहाँ पे कौन सा पड़ा हुआ है, टेम्प्रेरी हेड, तो टेम्प्रेरी हेड जो होगा वो हमारा सबसे पहला नोड बन जाएगा इस बार, समझ गए। तो क्या लिखना है इसके अंदर, यहाँ पे लिखना है हेड बराबर टेम्प्रेरी हेड, बात खत्म, खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, और कोई एरर होगी तो देख लेंगे, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है लॉजिक के अंदर। टेम्प्रेरी हेड इक्वल्स टू नल PTR आएगा यहाँ पे, ठीक है, कंपाइलेशन एरर आते रहते हैं, खूब आते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी लॉजिक सही होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। इधर भी करंट आएगा, और देख लेते हैं, जा ठीक है 55 में आ रही है, जस्ट PVS इज नॉट इक्वल्स टू नल PTR आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। और कुछ, और कोई हो तो वो भी दे दो 65 में, ठीक है। करंट इक्वल्स टू करंट इधर आएगा एरो फंक्शन, ठीक है। और कोई, ओके और हैं खूब सारे, 103, अच्छा ये तो इनपुट में भी गलती है, वाओ। तो इधर एक्स रख दिया और इधर एक्स लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
फिर भी एक्स पास करना पड़ेगा एक्स, ठीक है देखते हैं और कितनी एरर्स आती हैं। ठीक है हो जा कंपाइल हो जा जल्दी, क्या एक्सेप्ट हो गया, बढ़िया है। देखते हैं सबमिट होता है नहीं होता है। बेसिकली आपको समझ में आया ना क्या कर रहे हैं, एक प्रीवियस पार्ट हो गया, एक उस रेंज के बीच का पार्ट हो गया और इस रेंज के बाद का पार्ट हो गया। ठीक है तो बस यही तीन पार्ट है, इन तीनों पार्ट को हैंडल कर लो अच्छी तरह, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक दो बार देख लेना आ जाएगा समझ में। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।